तो यहाँ पर देखा फ्रेंड्स आपने, पूरी लड़ाई हो गई और बिस्तर हल्का फुल्का ही इधर उधर हुआ। और वो भी इधर उधर क्यों हुआ ये भी मैं आपको बताती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनाली और ये है मेरा बेटा। आज मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने चादर को पूरे दिन फिट रख सकते हैं अगर आपके बच्चे इस तरह के बदमाश हों और पूरे दिन कूदते रहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं मैंने चादर को हटा दिया हुआ है और आपने देखा होगा कि बीच में जो सिकन आई थी वो इसकी वजह से आई थी, क्योंकि मैंने यहाँ पर बिछाया हुआ एक पॉलिथीन, एक्चुअली ये एक बैनर है जो कि मैंने बिछाया हुआ है अपने मैट्रेस के ऊपर, क्योंकि मेरा बेटा अभी छोटा है तो वो टॉयलेट वगैरह कर देता है तो इससे मैट्रेस ख़राब ना हो, तो मैंने यहाँ पर ये पॉलीथीन डाला हुआ है। ये साइड साइड में नहीं पड़ा हुआ है क्योंकि साइड साइड में बच्चा जाता नहीं है, बीच में ही रहता है, तो इसलिए मैंने बीच में ही डाला हुआ है। और इस पॉलीथीन की वजह से ही बच्चे जब लड़ाई करते हैं तो बीच में सिकन आती है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ वो ट्रिक जिसकी वजह से आप अपने चादर को पूरे दिन फिट रख सकते हैं। मैं चादर को ले आई हूँ और यहाँ पर मैं बैठ के एकदम कॉर्नर में हूँ जहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ हमेशा बिछाना। तो सबसे पहले मैं एक साइड्स पकड़ूँगी और एक साइड को क्या करूँगी, नॉट लगा दूँगी। ये देखिए, चादर बिछाने के लिए सबसे पहले आपको चादर लेना, और चादर लेने के लिए आप हमेशा देखें कि आपका चादर जो है मैट्रेस से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर वो मैट्रेस से छोटा होगा तो वो एडजस्ट नहीं होगा और हमेशा निकलता रहेगा, लेकिन मैट्रेस से बड़ा होगा तो आप इस तरह से नॉट लगा के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये नॉट मैं गद्दे के अंदर डालूंगी। तो यहाँ ये देखिए, ये मैंने नॉट जो है वो गद्दे को उठाया हल्का सा और ये साइड से डाल दिया। तो ये एक साइड मैंने यहाँ पर फिट कर लिया है। अब मैं चलती हूँ दूसरी साइड की ओर। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ दूसरी साइड के ऊपर। दूसरी साइड में भी मैं इसे लगाऊंगी नॉट, और ये यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पर फिर से मैंने नॉट लगा दिया हुआ है, और इसे मैं थोड़ा सा खींच के और डालूंगी यहाँ गद्दे के अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हैं वो साइड और ये साइड दोनों इक्वल हैं और बिल्कुल प्लेन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये देख सकते हैं ये तीसरा कोना है जिसमें फिर से मैं नॉट बना रही हूँ। ये देख सकते हैं मैंने नॉट बहुत टाइट से बनाया है। अब मैं इसे गद्दे के अंदर टाइट से इन कर दे रही हूँ। जितना टाइट से आप इन करेंगे ये उतना ही टाइम तक फिट रहेगी। और अब मैं चलती हूँ लास्ट कॉर्नर की तरफ। चादर के तीन कोने को मैंने एडजस्ट कर दिया और चादर का ये लास्ट कोना है। अब यहाँ पर भी मैं नॉट लगा रही हूँ जिसे बहुत टाइट से मुझे लगाना है, और अब इसे लगाने के बाद मैं थोड़ा सा चादर को खींच के और ये नॉट जो है गद्दे के अंदर बिल्कुल आराम से डाल देती हूँ। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर चारों कोनों पे मैंने नॉट लगा के उसे एडजस्ट कर लिया हुआ है। और अब आपके बच्चे दिन भर कूदें, बदमाशी करें या जो भी करें, ये चादर टस से मस नहीं होगा। तो आपको अगर ये ट्रिक पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।